हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई आप सभी के साथ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला ट्रिक मेरा इस तरह से रिमोट को लेके। तो दोस्तों, इस तरह से रिमोट जब हम यूज करते हैं तो इस तरह से आपने देखा होगा कि रिमोट में कितने डस्ट भरे हुए रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से डस्ट भरे हुए रहते हैं, हमारे ये रिमोट की सफाई नहीं हो पाता बिल्कुल। तो देखिए, इस तरह से आटा ले लीजिए और इस तरह से आटे को इसमें डब डब करेंगे ना, तो बिल्कुल पता है जिसने भी इसमें डस्ट वगैरह घुसे पड़े हैं ना, बिल्कुल कम्प्लीट ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही काम का है। अगर इस तरह से रिमोट गंदा हो जाता है तो इस तरह से आटे की हेल्प से आपको सिर्फ इस तरह से करना है। तो देखिए, इस तरह से करना है, जो भी इसमें डस्ट वगैरह भरे हुए हैं ना, बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से बॉटल के लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से बॉटल हमारा, कहीं हम सफ़र वगैरह में पानी वगैरह ले जाते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी बॉटल हमारा लीक करता है, हम बैग में रखते हैं तो हमारा सामान भी गीला हो जाता है। इस बोतल के साथ हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, मुझे करना क्या है। तो देखिए, मुझे एक बैलून लेना है। अब बैलून को इस तरह से मुझे ऊपर का हिस्सा काट लेना है और काटने के बाद देखिए, मैंने ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, जो रबड़ वाला हिस्सा होता है इसको मैंने कटिंग कर लिया है और इस तरह से मैं बोतल के ऊपर इस तरह से ये जो कैप होता है बोतल का, इसके ऊपर मैं इसको कवर कर दूंगी। तो दोस्तों, इस तरह से कवर करेंगे तो देखिए, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होगा बोतल, तो इसमें से पानी बिल्कुल लीक होगा। हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे सूट को लेके है, पार्टी वेयर सूट को लेके है। जब हम कहीं जाते हैं तो गर्मियों में दोस्तों होता क्या है कि इस तरह से हमें कपड़ा पहनने का चेंज करने का मन ही नहीं होता है। बिल्कुल मुझे करना क्या है, इस तरह से कपड़े को चेंज करके इस तरह से आप तह लगाते हैं और इस तरह से इसको पन्नी में कवर करके रख लेते हैं। देखिए, इस तरह से कवर करके हम फ्रिजर में रखते हैं, रख देना है। तो रखने से दोस्तों क्या होता है, जब भी हम इस कपड़े को पहनेंगे ना, कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा घंटा तक ये हमें बिल्कुल कूल रखेगा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक छोटा सा है पर ये बहुत ही काम का है। अगर इस तरह से अगर आपको ये लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, कपड़े चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह से आप नीचे में रख के इसको चेंज कीजिएगा, बिल्कुल काफी कम्फर्टेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरह से हमारे आप कोई भी प्लेट रख रहे हैं तो देखिए, थोड़ा बहुत इसको लिक्विड और बनाना है तो इस प्लेट में इस तरह से पानी को डाल देंगे। डालने के बाद क्या क्या है कि इस तरह से और सब्जी भी हमारी पकने रहेगी और उसमें पानी भी गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से टाइम का भी बचत है और गैस का भी बचत है। तो दोस्तों, इस तरह से सब्जी में पानी डालने से, गर्म पानी डालने से इसका स्वाद भी अच्छा रहता है, स्वाद बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरे इस तरह से नैन पैंट को लेके है। तो दोस्तों, हम ढेर सारे नैन पैंट ले लेते हैं तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में ज़्यादातर ये सूख ही जाता है, हमारा नैन पैंट मन पसंद जब ये सूख जाता है तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि हमारा इतना अच्छा खासा नैन पैंट सूख गया और पैसे की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो इसका हम करें क्या, तो दोस्तों इस तरह से मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे लेना है गर्म पानी। इसका ये मुझे गर्म पानी लेना है, गर्म पानी के अंदर मुझे इस तरह से मुझे 5 से 10 मिनट के लिए जितने भी नैन पेंट आपका सूखे हुए हैं इसको हम डाल देंगे। तो दोस्तों, डालने के बाद इसको मुझे इस तरह से कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे नैन पेंट बिल्कुल अंदर से लिक्विड हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे आपने न्यू खरीदा था बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो देखिए, इस तरह से मैं, चलिए मेरा 10 मिनट हो चुका है, 10 से 15 मिनट तक मैंने छोड़ दिया है, तो इसको चलिए मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अब बाहर निकालने के बाद चलिए मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए, खोलने के बाद मैं इसको दिखाती हूँ, आप ये बहुत ही लिक्विड हो चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमने नया खरीदा था ना, बिल्कुल वैसे हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो इसको ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर के साथ कॉमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
तो मिलते हैं इसी तरह से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।